मोबाइल चोरी की तमाम घटनाएं आपने सुनी और देखी होंगी, लेकिन यूपी के जिला बरेली में जिस छाते तरीके से बदमाशों ने कार सवार वकील का मोबाइल चुराया, उसका सीसीटीवी फुटेज देखकर हर कोई हैरान रह गया। पुलिस सीसीटीवी में कैद छात्रों को चिन्हित कर पकड़ने में जुट गई है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव रस्तोगी और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। मोबाइल चोरी की यह हैरान कर देने वाली घटना बीती 12 दिसंबर की है। इसका शिकार रामपुर गार्डन में रहने वाले मानवेंद्र यादव बने। वह पेशे से वकील हैं। घटना वाले दिन देर शाम मानवेंद्र कार से करगैना जा रहे थे, तभी कोतवाली थाना क्षेत्र में चौपला पुल के नीचे मोबाइल चोर गैंग के छात्र ने कार से टक्कर मारने का आरोप लगाते हुए दरवाजे की विंडो खटखटानी शुरू कर दी। उन्होंने जैसे ही खिड़की के शीशे नीचे किए तो दोनों ओर की खिड़की पर गैंग के सदस्य आकर खड़े हो गए और टक्कर मारने की बात कहकर अपनी बातों में उलझा लिया। वो उन्हें समझाने लगे। इस दौरान एक छात्र ने कार की डैशबोर्ड पर रखा उनका मोबाइल चोरी कर लिया। इसके बाद पहले एक और फिर दूसरा छात्र तेजी से भाग निकला। इससे पहले मानवेंद्र कुछ समझ पाते उनके मोबाइल का ब्लूटूथ कार से डिस्कनेक्ट हो गया। ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट होने का साउंड बोला, तब उन्हें मोबाइल चोरी होने का पता चला। तब तक छात्र चोर अपनी कार में बैठकर मौके से फरार हो चुके थे। इस दौरान मोबाइल चोरी की ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मानवेंद्र की शिकायत पर पुलिस ने घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाली तो मोबाइल चोरी करके भागते दो छात्र उसमें कैद मिले। कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके चोरों की तलाश शुरू कर दी है। आप भी देखिए कि किस तरीके से छात्रों ने इस घटना को अंजाम दिया। हो गया। मोबाइल उधर से निकाला उस साइड से। देखो एक जी इधर आया, एक जी सर्ट में आया। इसका चेहरा मिल जाएगा, इसका क्लियर हो गया।